हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों की स्पेशल चटनी की रेसिपी, जो कि है आम की लौंजी। कच्चे आम की बहुत ही चटपटी, तीखी और मसालेदार चटपटी लौंजी हम बनाना सीखेंगे। किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से घर में इसको सिर्फ 10 मिनट में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं और आप इसको रोटी, दाल, चावल सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आम की लौंजी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 250 ग्राम कच्चा आम, जिसको आपको धोना है और धोने के बाद में छीलना है। तो देखिए, अमिया को यहाँ पर हमने धोकर रख लिया है। धोने के बाद में हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर अमिया में गुठली पड़ चुकी है, इसलिए हम इसको इस तरह से साइड से कट करेंगे। तो साइड में जितना भी अमिया में ये पल्प लगा हुआ है, वो सारा की सारा हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। तो पीसेज आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े पीसेज लंबाई में कट करूंगी और बाकी का जो पल्प लगा हुआ है गुठली पर, तो उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लूंगी। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस काट सकते हैं। तो सारे अमिया को इसी तरह से हम काट लेंगे और उसके बाद में तड़का लगाकर हम लौंजी बनाएंगे। तो देखिए, सारा कच्चा आम हमने काट लिया है। अब आइए एक मसाला तैयार कर लेते हैं तड़के के लिए। एक स्पेशल मसाला हमें बनाना है, जिसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले मेथी के दाने। तो मेथी के दाने सबसे ज्यादा जरूरी है इस रेसिपी में, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। साथ ही आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। इसके अलावा आधी ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे राई या फिर सरसों, कोई भी एक ले लें। आधी चम्मच आपको चाहिए होगी सौंफ, साबुत सौंफ लिए हमने। इसके अलावा एक चौथाई चम्मच हमें चाहिए होगी कलौंजी। तो ये हैं पांच मसाले, इनको आप पचफोरन भी बोल सकते हैं। पचफोरन मसाला हमने बनाया है और इससे हम तड़का लगाकर लौंजी बनाएंगे, तो हमारी लौंजी बहुत ही टेस्टी बनेगी और गर्मियों की स्पेशल चटनी है फ्रेंड्स। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए आप सब्जी भी खाना भूल जाएंगे और सारी चटनियों को छोड़कर सिर्फ यही चटनी बनाकर खाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई पैन या कढ़ाई लेकर इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल दें। सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल कोई भी ले सकते हैं। मीडियम हाई हीट पर अच्छे से गर्म करके हम तड़के के मसाले डाल देंगे, यानी कि पचफोरन मसाला हमने डाल दिया है। इसको इस तरह से कुछ सेकेंड सौटे करेंगे और जब मेथी का कलर चेंज हो जाएगा, साथ ही जो राई है या सरसों जो भी आपने ऐड की है वो तड़कने लगेगी, इस तरह से आवाज आने लगेगी, उसके बाद में हम इसमें अमिया कटी हुई डाल देंगे। अमिया डालने के बाद में फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम इस तरह से 30 सेकंड के लिए सौटे करेंगे, यानी कि थोड़ा सा बस इस तरह से हमें चलाना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहां पर हम ऐड करेंगे 1.5 कप। तो नाप कर मैं इसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप 1.5 कप से लेकर 2 कप तक पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपको पानी काफी लग रहा होगा फ्रेंड्स, पर यहाँ पर हम अभी अमिया को हमें गलाना भी है, साथ ही गुड़ को भी मेल्ट करना है, इसलिए पानी इसमें काफी लग जाता है। तो देखिए, अब इसमें साथ ही कुछ मसाले भी डाल देंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हींग। तो 1/4 चम्मच हम इसमें हींग ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और काले नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो 1 चम्मच हमने काला नमक डाला है, साथ ही हम इसमें 1 चम्मच सफेद नमक भी डाल देंगे। इसके अलावा 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो हल्दी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करनी है। सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसके बाद में हम ढक्कन लगा देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम लगभग 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे, या फिर तब तक पकने देंगे जब तक कि अमिया हमारी लगभग 70% कुक नहीं हो जाती, गल नहीं जाती। तो ढक्कन लगाकर पकने देते हैं। और यहाँ पर मीनवाइल मैं आपको दिखा देती हूँ आम की लौंजी बनाने के लिए मिठास के लिए यहाँ पर हम गुड़ का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत हेल्दी होता है। और 250 ग्राम हमने गुड़ लिया है, 250 ग्राम हमने कच्चा आम लिया है, तो 250 ग्राम ही हमने गुड़ लिया है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है और आप इसी नाप से बनाकर जरूर देखें। हाथों से थोड़ा गुड़ को तोड़ लें ताकि जब इसको हम ऐड करें तो जल्दी से ये जाकर अमिया में घुल जाए, अमिया के साथ में डिजॉल्व हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर लगभग 7 मिनट के बाद में एक बार इसको इस तरह से हिलाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर कच्चा आम काफी अच्छे से गल चुका है। तो पूरी तरह भी नहीं गला है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से गुड़ डाल दिया है हमने और इसे भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन लगाकर हम इसको भी पकने देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे जो गुड़ है वो मेल्ट होता जाएगा, उसका कलर भी चेंज होता जाएगा और जो हमारी ग्रेवी है गाढ़ी होती जाएगी और कच्चा आम पकता जाएगा। तो यहाँ पर हम आंच को धीमा कर देते हैं और धीमी आंच पर इसको ढककर हम तब तक पकाएंगे जब तक कि कच्चा आम गल नहीं जाता और गुड़ पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए, लगभग 10 मिनट के बाद में कच्चा आम अच्छे से पक चुका है। अगर आप इसको दबाकर इस तरह से देखेंगे, आराम से ये टूट जाएगा, ये देखिए।
और गुड़ भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेल्ट होकर गाढ़ा हो गया है, कलर भी इसका बहुत ही प्यारा आया है। तो हमारे कच्चे आम की लौंजी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लौंजी बनी है फ्रेंड्स। और अभी आपको देखने में ये थोड़ी सी पतली लग रही होगी, पर जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाती है, इसलिए मेरा सजेशन है स्टार्टिंग में आप इसको थोड़ा पतला ही रखें। तो हमारी कच्चे आम की लौंजी, अमिया की लौंजी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको बनाकर इस तरह से ज़रूर देखें और इसको लंच या डिनर में रोटी के साथ, दाल चावल के साथ आप सर्व कीजिए। फ्रेंड्स आप इस लौंजी को बनाकर आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, लगभग 15 दिनों तक ये लौंजी चल जाती है। तो जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद में आप इसको किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दीजिए, तो बहुत आराम से आप इसको जब भी मन चाहे निकाल कर आप इससे दाल चावल, रोटी, लंच या डिनर में खा सकते हैं। तो देखिए अभी आपको ये थोड़ी पतली लग रही होगी क्योंकि ये अभी थोड़ी गर्म है, और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे इसकी जो ग्रेवी है गाढ़ी होती जाएगी। तो लगभग 1 घंटे तक मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, जब ये नॉर्मल हो गई उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ठंडा होने के लिए सबसे पहले इसको इस तरह से ढककर रख दें, इसके बाद में मैंने फ्रिज में रखा और देखिए हमारी आम की लौंजी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, और इसी तरह से इसका टेक्सचर आ जाता है, काफ़ी गाढ़ी हो जाती है और देखने में बहुत ही यमी लग रही है। जितनी देखने में ये यमी है उतनी ही खाने में टेस्टी है, आप भी इसको बनाकर ज़रूर देखें। और हमारी चटपटी तीखी बहुत ही बढ़िया लौंजी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए और बनाने के बाद में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, सी यू।